हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये रियलमी का 3 है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका FRP बाईपास करके दिखाऊंगा, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टच काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे टिक किया हुआ है, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज मोबाइल डाटा। अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड लगा हुआ है, अगर उसमें नेट है तो आप इसे ऑन रहने दें, या अगर आपको वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना है तो इसे ऑफ़ कर दें। तो चलिए हम लोग वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करके काम करेंगे, तो इसे ऑफ़ कर दिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लें, ताकि इस फ़ोन पर एक इंटरनेट सेवा चालू हो जाए। लेकिन अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज मोबाइल डाटा को ऑन रखना होगा। इसके पहले मैंने बता दिया। अब यहाँ ज्वाइन पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 1-2 मिनट लगेंगे, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पेज पर जाना होगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको मोबाइल के मॉडल के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का मोबाइल का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे में आपको दिख रहा होगा डोंट कॉपी, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक मांग रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालें, आपका लॉक यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए दूसरा कोई भी पासवर्ड जब हम यहाँ डाल रहे हैं तो वो यहाँ पर डन करेंगे, देखिए रॉन्ग आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कैंसिल, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। चलिए टैप कर देते हैं, तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन योर अकाउंट। अगर आपको ये जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पर डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ ऊपर में लॉक का सिम्बल बना हुआ है, मतलब इस फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। और जब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। तो चलिए क्या करना है, अब हम लोग को बैक आ जाना है और गूगल अकाउंट बाईपास करना है। चलिए बैक आ जाते हैं, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, और बैक आते जाएंगे और एक बार, ठीक है, आ गए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे नीचे में आपको दिखेगा इमरजेंसी कॉल। इस इमरजेंसी कॉल पे हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर लेते हैं, तो हम लोग के सामने में इमरजेंसी कॉल का डायल पैड खुल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर डायल करना है *#8 1 और 2। उसके बाद हम लोग को हैज दबा देना है। चलिए दबा देते हैं, यहाँ पर 2 सेकेंड रुकेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। फ्रेंड, पर यहाँ पर आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, उसे भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा लैंग्वेज जो है यहाँ पर चाइनीज में दिखेगा, ठीक है। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर ऊपर में आपको सेटिंग दिख रहा है, इस पर हम लोग को टैप करना है। अब हम लोग के सामने में सेटिंग खुल चुका है, यहाँ पर भी सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इधर देखिए आपको आइकॉन दिख रहा होगा, इस आइकॉन की मदद से हम लोग को भाषा सेटिंग खोजना है। तो चलिए यहाँ नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा एक आइकॉन दिखेगा,
देखिए यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है जिसमें ए लिखा हुआ है, इस ए वाले आइकन पे हम लोग को टैप करना है, इसी में भाषा सेटिंग है। चलिए टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं। तो देख सकते हैं यही लैंग्वेज सेटिंग है। अब हम लोग को यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इस पर हम लोग को टिक कर देना है। चलिए टिक कर देते हैं। अब ऊपर में आपको यहाँ पर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर हम लोग को टैप कर देना है और यहाँ बीच वाले चाइनीज़ पे टैप कर देंगे तो हम लोग के फ़ोन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हमारे फ़ोन का लैंग्वेज भी चेंज हो गया है और गूगल अकाउंट बाईपास भी हो गया है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।